इस छोटी सी पप्पू को आज मैं रुलाने वाला हूँ। आज दिखाता हूँ मूंगफली का खेत और लगे हुए दाने। आपने सोची ना होगी कि जियो कर सकता है इतना बड़ा धोखा। क्या बात कर रहे हैं? मेरा डाटा तब तक सही नहीं चलता है जब तक मैं जियो के ससुराल ना चला जाऊँ। वही वीडियो अपलोड करने के लिए घर से बाहर मुझे झोपड़ी में जाना पड़ता है, नहीं तो जियो के मौसी चाचा दादा नाना काका सब रोने लगेंगे। हाँ जी भाई लोग, क्या हालचाल? अभी दोपहर के ना 10:59 हो रहा है। हम दो तीन जना जाने वाले हैं आम की लकड़ी तोड़ने के लिए। दो तीन दिन के अंदर ना, वो जो आपको पता होगा नवरात्र में पूजा वगैरह होता है, 9 दिन होता है ना, तो वही हमारे यहाँ होने वाला है। हमारी माता जी जो है कि कराने वाली है, उसके लिए आम की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। गुडवा के साथ हम जा रहे हैं और हमारे साथ जा रहे हैं गुडवा। लगी वगैरह लेके जा रहे हैं कि अगर लकड़ी हमसे ना टच होना तो इससे टच करके तोड़ेंगे। कोई देखेगा तो सोचेगा कि क्या पूरी फैमिली गई है क्या टोली बनाकर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो जमा हुआ खरपतवार जैसे, ये है मूंगफली। शायद आप लोग देखे भी होंगे, ये देख सकते हो भाई, ये रहा, ये मूंगफली कुछ ऐसे रहता है, फटता है। आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे उखाड़ा हूँ। ये रहा वो पेड़ जिससे हम लकड़ी तोड़ेंगे अभी। देखते भाई तोड़ के, देखते शायद टूट जाए। यहाँ पे टूट के लकड़ियाँ गिरी हुई है, निकाला सर। यहाँ पे हमारी मम्मी है, हमारी बड़ी दीदी और हमारी छोटी बहन, हमारा गुडुआ भाई। ऐसे अपने कंधों पे लकड़ी को रख के लेके जा रहा हूँ भाई। वजन तो है ही इसमें, पर कंधा तो घर जाते जाते दुख ही जाएगा। तो भी लकड़ी को लाकर अपने इस झोपड़ी पे रख दिए हैं। कंधा पे तो लग रहा था कि पूरा धस जाएगा। ये देखो पूरा निशान सा पड़ गया होगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो आपको कीपैड मोबाइल दिखाई दे रही है, ये मेरे पापा का फोन है जो कि 4 से 5 दिनों से बिगड़ा हुआ था। और ये पापा दुकान पे गए थे लेकर, लेकिन दुकान वाले ने पता नहीं क्या बोला, बन ही नहीं पा रहा था, तो मैं लेकर जा रहा हूँ। और साथ में गुड्डू भी चल रहे हैं। गुड्डू का करना ये है, गुड्डू के लिए एक फूल जो है कि लोअर सिलवाना है, तो नाप देने के लिए गुड्डू को लेकर जा रहे हैं साथ में। ये है अपनी वो कांडा जिससे हम चलेंगे, और हमारा छोटा वाला भाई बड़की साइकिल चलेगा। तो अभी जस्ट आ चुके हैं लोअर सिलवाने वाली दुकान पे। यहाँ पे हमको नाप देना है और लोअर सिलवाना है। कैसी चाहिए गुरु द्वारा? सादा चाहिए कि चीती चीती वाला चाहिए? लेना चाहिए। तो लेन चली गुड्डू भाई, सही रही। थोड़ा सा जान था, ढीला ढाला सी है, विशाल टाइट वाला ना। को यहाँ का तो रोड ही धस गया है। अब सोचो क्या पेट्रोल पंप पे लोग चढ़ के जाएंगे क्या। लोअर सिलवाने के लिए ना उसका साइज का माप दे दिए हैं, अब हम लोग चलेंगे रतनपुरा। हम पहुँच चुके हैं रतनपुरा मार्केट, यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले अपने कीपैड फोन को सही कराते हैं। भाई इस फोन को बनवाने में ना 1 घंटे 40 मिनट मेरे चले गए, और ये फोन शायद बन भी चुका है, तो अभी चार्जिंग पॉइंट पे लगा है। सोचिए कि भाई फोन गया अभी चार्जिंग पॉइंट में, तब तक हम चलते अपना दूसरा काम करते। भाई पूरा माथा ही डिस्टर्ब हो गया इस फोन के चक्कर में। हो गई। गुड्डू का आधार अपडेट करवाए थे ना, आधार अपडेट हो चुका है, वही फिंगर लगवाना था यहाँ पे। मैं आया था सुंदर कांड की किताब लेने के लिए। मोहिलो दे दियो। दुकान वाले भाई ने ना बहुत आसानी से बोल दिया कि बन गया है, बट ऐसा सीन नहीं हुआ था। मुझे पता था कि उसका सॉफ्टवेयर ही चला गया। अब बोल रहे हैं कि आधा घंटा होने के बाद, अब बोल रहे हैं ना इसका सॉफ्टवेयर ही चला गया है, रतनपुरा में चढ़ ही नहीं सकता। अब सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे चढ़ नहीं सकता, और इस फ़ोन को करना अब ये है कि या तो मऊ में बनेगा, और इस कीपैड फ़ोन को कौन लेकर जा रहा है मऊ बनवाने। तो नॉर्मल से भाषे में अगर बोलूँ तो इसको भीग दे कचड़े में और दूसरा ले लें। पैसा कुछ आए हैं जिलेबी खाने, वो भी कितने रुपये? 10 रुपये। इतना में हम लोगों का हो जाएगा ना गुड़ू भाई? तू खागल सब ना, तू खाएगा, मेरा तो इतना में हो जाए। कुछ लोग बोलेगा बहुत कम जिलेबी खाए, होता है भाई। तो अभी अपनी जिलेबी हो चुकी है हब, अभी अपनी जिलेबी हो चुकी है हब। सारी उम्र में जो कर जबड़े रहे हूं तेरे पीछे। भाई लोग मैं काफी टाइम पहले अपने घर पे आ गया था, अब जा रहा हूँ गेहूं पिसवाने के लिए।
अपने दूसरे वाले गांव में लेकर। भैया पकड़ लो तो लोडवा तो रहो पोता ने पड़े हम जाना था नहीं। तुम ले लो ऐसे करके मां। अभी जस्ट मैं हूँ घर पे। हम लोग जो लकड़ी लेकर आए थे ना उस लकड़ी को जा रहे अभी टुकड़ों में तोड़ने के लिए। अभी तोड़ के इसको रख देंगे ना तो आगे चल के काम आने वाला है ताकि उस दिन हमें तोड़ना ना पड़े। बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सारी लकड़ियों को हम लोग काट दिए और सारी लकड़ियों को काटने के बाद इतना सा लकड़ी निकला है। मिलिए ये मेरी है भतीजी। मैं इसको रुलाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यार से बट ये कहाँ रोने की कोशिश कर रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। भैया बैठे ना भैया बैठे ना जानता क्या हो गया जब हम तो पैदल चलाए ना फुचुर फुचुर चले लगे तू रुक बताएं माटी ना लगे। अरे भाई देखो कैमरा बा ना इसको मैं चलने के लिए सिखाने की कोशिश में हूँ। हाउ चल बू हाउ लेके बुआ पकड़ के लिए बुआ के वो पकड़ के लिए आओ पकड़ के लिए आओ पकड़ के जा वो पकड़ के लिए आओ 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 मारा लो मारा लो इबू मारा लो गए बाबू रे इसमें रुपा से एक इसमें रीना हैं बोलो चाचा चाचा। पूरे दिन दौड़ने के बाद मैं अपने अंदर के आत्मा को लेकर आ जाता हूँ अपने कमरे में। खाली टाइम शैतानों की बुद्धि। मैं था फ्री बैठा सोचा कि चलो एडिटिंग वीडियो ही देखते हैं इससे क्या होगा कि थोड़ी स्किल तो सीखेंगे। खैर जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।